नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यूपी से आ रही है बड़ी खबर, एक बार फिर दागदार हुई खाकी। पुलिस का शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। थाने में पहुंचे फरियादी को एसएचओ के इशारे पर सिपाही ने सरेआम लात घूसों से की पिटाई, कैमरे में कैद। बीमार युवक की थाने में पिटाई का मामला पारिवारिक बंटवारे और जमीनी विवाद का है। पीड़ित दिमागी रोगी, दरोगा को लगातार अपनी सिटी स्कैन की तस्वीर दिखाता रहा पीड़ित, लेकिन नहीं आई रोगी पर दया, कर दी ठुकाई। जिस समय पीड़ित की जानवरों की तरह हो रही पिटाई, यह देख थाने में बैठ भाजपा कार्यकर्ता भड़के। सरकार से ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। मामला बलिया जिले के सहतवार थाने का है। पुलिस की इस हरकत से बढ़ा विवाद, सिपाही पर कार्यवाही करने की मांग पर अड़े भाजपाई। देखे पूरी रिपोर्ट यूपी के बलिया से राकेश की रिपोर्ट। मामला सही से बताइए। दो दिन पहले चांदपुर नई बस्ती में तो एक बाप ने तो अपनी एक विकलांग बेटी को कुछ जमीन, घर का जमीन था जो उसी बेच दिया था, लेकिन उसके तो फिर दो बेटे भी हैं और एक बेटी भी है, और वो जमीन चूंकि पैतृक थी तो उसके भाई लोग चाहते थे कि उसमें मेरा भी हक मिले। बाप से किसी विवाद के तो कहा बाप बेच दिया बेटी को, तो हम लोग उसी के लिए, तो उसका भी एक पलानी है, फिर भी घर में नहीं रहता है वो। थाने में क्या हुआ है? तो थाने में हुआ था कि जो आज दोनों पक्ष आया था तो उसमें एक पक्ष का इलाज चल रहा है सिटी स्कैन, थोड़ा दिमागी तौर से तो डिस्टर्ब है ना, तो कुछ बोला भी नहीं पुलिस से, तो बार बार माफ़ी मांग रहा था कि तो सर हम कुछ नहीं बोले हैं। इसके बावजूद भी पुलिस में एक सिपाही है जो कि शायद मलेटी से थोड़े गारमेंट के बाद नौकरी पाए, अजय पांडे नाम है। जी, क्या नाम है? हाँ जी, अरुण पांडे नाम है। तो अरुण पांडे जी ने उसको निकाला बड़े साहब के सामने से, बड़े साहब कुछ बोले नहीं, लेकिन निकाल के ही सारी पब्लिक के ही सामने उसको मारने पीटने लगे, और जिसको देख करके हमको कष्ट हुआ, हमने उसका विरोध किया। और तो मैंने सारे विरोध के बाद भी उन्होंने तो उसको मारते पीटते ले जा करके बंद कर दिया। हम यही चाहते हैं कि मामला जो भी है, राजस्व का मामला राजस्व निपटे, और पुलिस का यदि मामला है तो फिर पुलिस केस कर दे। ये मारने पीटने की तो क्या नो बता रहे, कुल हिंसा बकरा के बात करते हैं। मुझे जिस बात से वो अलग बड़ा है, मुझे हम इनकी कोई लेने देने तो कुल बात। थाने में तो क्या हुआ? थाने में आई वाला नहीं कहा, कोई लोग हमारे भाई के भौजा ही कह दीजिए कि ये लाकावत है झूठो मूठो के, उसे हम इनके कुल लेने देने की बात नहीं की। हमारे भाई आगे थाने में क्या हुआ? कौन मारा लड़के को? जी क्या नाम है उनका? अच्छा, तो आगे क्या हुआ थाने में? बाबा को खास आज लेकर थाने में क्या हुआ? बैठे थे थाने में जमीन पे। हाँ, हम बिन बाबा अपना लगी है कहे करती है। और थाने में भाजपा के लोग भी थे क्या? हाँ, एक उनमें तो भाजपा भी लोग थे क्या थाने में बैठे थे? भाजपा के लोग भी थाने में बैठे थे क्या? कौन कौन? नाम से बता दे। हमारा नाम समूह शरण बिहार है। क्या मामला हुआ था थाने में? मामला तो हम दूसरे मामले में आए थे, बैठे थे थाने में, तब तक निर्दयता के साथ मैंने पशु की तरह जो है पीटते हुए अरुण नाम का जो सिपाही है जो रोज बेटमिजी थाने में करता है किसी न किसी के साथ, उसका काम ही है लोगों को जो है उल्टा पलटी बोलना। आज तो हद पार कर दिया, जानवर की तरह उसे आदमी को कान में और आंखों में मारते हुए, लातों से घूसों से थप्पड़ से मारते हुए ऐसे ले जा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कसाई बकरे को मारने के लिए ले जाता है। यह अपराध कतई जो है अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं होता था जिस तरह से आज हो रहा है। यह शर्मनाक विषय है, और निश्चित है कि अरुण पांडे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो निश्चित है कि कार्यकर्ताओं का, समाजसेवियों का विश्वास उठ जाएगा। भाजपा के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।